हाय गाइस, हम लोग की इंडियन नेवी हो चाहे इंडियन एयरफोर्सेस हो या फिर हमारी जो आर्मी है, इन सारे के सारे फील्ड्स में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा इस टाइम पे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को फोकस किया जा रहा है। इंडिया अपनी खुद की काफी सारी INS को भी डेवलप कर रहा है, काफी सारे कार्गो को डेवलप कर रहा है और इंडियन कोस्ट गार्ड भी यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स को कर रहा है। बट 17th of May इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक होने वाला है। क्यों हिस्टोरिक होने वाला है? क्योंकि उस दिन पे इंडियन नेवी के द्वारा बनाए गए या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर बनाए गए जो इंडिजिनस INS हैं, उनको लॉन्च किया जाएगा। अब ये मत कहना INS का फुल फॉर्म क्या, इंडियन नेवल शिप के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें से जो दो सबसे इम्पोर्टेंट हैं जिनको लॉन्च किया जाएगा उनका नाम है INS सूरत। ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन सबको डेवलप किया जा रहा था अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक प्रोजेक्ट नंबर 15 जो है, या प्रोजेक्ट नंबर 75 जो कि स्कॉर्पिनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, या फिर प्रोजेक्ट नंबर 17B है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग INS को डेवलप किया जा रहा था। अब इसमें से एक जो है वो तो है INS सूरत, जिसको लॉन्च किया जाएगा, और जो दूसरा वाला INS है उसका नाम है उदयगिरी। अब आपके पेपर के अंदर यही सवाल बनते ही बनते हैं इसी तरीके के कि अभी इंडिजिनसली कौन सा वाला डेवलप किया गया है, क्योंकि अब वो सब चीजें बहुत ज्यादा लाइक ट्रेडिशनल पार्ट आपसे पेपर में नहीं पूछा गया। अभी आपने देखा भी तो जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको भी अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही